जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, रोज की तरह हम लोग पुनः एक बार चर्चा करेंगे आज के पंचांग, आज के राशिफल के बारे में और कार्यक्रम के अंत में बात होगी आज के महा उपाय की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। अंग्रेजी तारीख 20 सितंबर, विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है अश्विन का, तिथि कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है शुभ और करण है नाग। अगर व्रत पर्व और त्योहार की बात करते हैं तो अश्विन मास की अमावस्या की तिथि है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब बात करते हैं आज के राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज स्वभाव में बहुत ज्यादा क्रोध, उत्तेजना और बहुत उग्रता होगी, तो अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को आज कंट्रोल करना होगा, अन्यथा कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। आप इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि बनता हुआ काम बिगाड़ लेंगे, जाके खुद एक्सीडेंट कर बैठेंगे, तो इस तरीके के व्यवहार से बचना चाहिए। माँ लक्ष्मी को दूध से निर्मित नैवेद्य का भोग लगाएं, आपको फायदा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट से आज आप बचिए, आपके लिए शुभ अंक बनता है 6 और शुभ रंग बनता है भूरा। अब बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आपके कार्य क्षेत्र में अगर कोई बाधा या कोई व्यवधान, कोई विघ्न आ रहा था सरकारी तंत्र से, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, तो आज आपके प्रयास से वो विघ्न दूर होगा और उनकी कृपा आपको मिल जाएगी, आपका काम बन जाएगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। यात्रा करने से आज आप बचें, आपके लिए शुभ अंक बनता है 2 और शुभ रंग बनता है केसरिया। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके अपने समाज के सोसाइटी के जो टॉप नॉच लोग हैं, जो बहुत उच्च वर्ग के लोग हैं, आज उनसे आपका परिचय होगा और उनसे आपका कोई बड़ा काम बन सकता है या उनसे कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है। श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। धन का बहुत ज्यादा व्यय न करें, शुभ अंक 4 है, शुभ रंग धानी है आपके लिए। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज राजनीतिक संपर्क का फायदा मिल सकता है। आपका कोई काम रुक रहा हो, अटक रहा हो, आपका कोई पॉलिटिकली कनेक्शन कोई ऐसा हो, राजनीति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो जो कहीं से फोन करा दे, सोर्स पैर भी लग जाए और आपका काम हो जाए, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। आज के दिनचर्या में गणेश जी की पूजा आपको करनी चाहिए और हरे रंग की एक रुमाल अपने पास रखिए। अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर नियंत्रण आज आप न खोएं, आपके लिए शुभ अंक बनता है 9 और शुभ रंग बनता है पीला। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कुछ अशुभ समाचार आपको शुरुआत में मिलेगा, जिससे मन थोड़ा सा खिन्न होगा, दुखी होगा, डिसअपॉइंट होगा, नाराजगी आ सकती है, लेकिन फिर आप धीरे धीरे मेहनत करके काम में लगेंगे तो दिन के अंत तक जो नुकसान हुआ था या जो अशुभ समाचार आपको अपने काम से संबंधित मिला था उसकी आप भरपाई कर पाएंगे। आज के दिनचर्या में भगवान श्री राम की पूजा आराधना करिए, गाय को सरसों का तेल लगा करके एक टुकड़ा गुड़ के साथ रोटी खिलाइए, बड़ों का दिल ना दुखाएं, बड़े बुजुर्गों का आज आशीर्वाद लीजिए, अमावस्या की तिथि है, पितृपक्ष की अंतिम तिथि है, शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है नारंगी। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों को, विद्यार्थी वर्ग को आज पढ़ाई लिखाई में अच्छा फायदा मिल सकता है। आपको
कोई ऐसा काम व्यापारी वर्ग के लिए जो बहुत दिन से रुका हुआ था, आज आप उस काम को बनाने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपके हित में होगी। घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ आप विदा न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 3 और शुभ रंग बनता है हरा। अब बात तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने जो कुछ भी अपने लिए लग्जरी सोची थी, भौतिक सुख सुविधा सोची थी, आपने सोचा था अच्छा सा घर हो, अच्छी सी गाड़ी हो, या आपके घर में कोई एक चीज आप बहुत दिन से उम्मीद कर रहे थे, सपोज करिए कोई एक बढ़िया सा अच्छा सा महंगा सा सोफा आप चाहते थे, तो इस तरीके की कोई अपनी लग्जरी की चीज की आज आप पूर्ति कर सकते हैं या परिवार की डिमांड की पूर्ति आज आप कर सकते हैं। कुछ उपलब्धि आपको ऐसी मिलती दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ आपके लिए शुभ होगा। शुभ अंक बनता है 7 और शुभ रंग बनता है सफेद। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को कोई अचानक से शुभ समाचार मिल जाए जिससे मन प्रसन्न हो जाए, एक अच्छी नई उमंग पॉजिटिव वाइब्स तुरंत आपके चारों तरफ क्रिएट हो जाए, ऐसे योग बनते हैं। आज पूरे मनोयोग से काम में लगेंगे तो जो काम काफी समय से रुके और अटके थे वो आज पूरे होकर के बड़ा लाभ भी आपको दे सकते हैं। देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए आज कल्याणकारी होगी। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 4 और शुभ रंग बनता है गुलाबी। अब बात धनुराशि की। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई बड़ा काम नुकसान हो सकता है और उसका कारण जो है वो आपकी एक लापरवाही, आपके स्वभाव में, आपके विचारों में आज आलस्य रहेगा। आज आप थोड़ा सा चीजें बहुत लाइटली ले लेंगे जिसके चलते आपको अंदाजा नहीं होगा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो लापरवाही आलस्य से आज आप बचिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गणपति पूजा आराधना आपके लिए भी शुभ होगी, तो गणेश चतुर्थी का पाठ करिए। शुभ अंक बनता है 2 और शुभ रंग बनता है सुनहरा। अब बात मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में मन में कुछ संदेह रहेगा जिस डाउट को क्लियर करने में आज आप पूरे दिन परेशान रहेंगे और आपको उसका समाधान नहीं मिलता दिखाई देगा, तो ऐसे डाउट को छोड़ दीजिए, अपने काम में लगिए। ऋणहर्ता मंगल स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। क्रोध करने से बचिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और शुभ रंग बनता है खाकी। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर के आप बहुत परेशान और चिंतित हो सकते हैं। उसके कारण से उसका एक दूसरा प्रभाव भी होगा कि आपका काम भी आज इग्नोर हो जाएगा, आप काम में भी मन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि परिजन, कोई करीबी व्यक्ति, घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो मन वैसे ही जो है खिन्न रहता है, तो ऐसी ही स्थिति रहेगी। आज की दिनचर्या में शनि चालीसा का पाठ कर लेना और पशु पक्षियों को गुड़ के साथ 7 प्रकार के अनाज देना आपका कल्याण करेगा। भाई बंधु के साथ वाद विवाद आप न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 3 और शुभ रंग बनता है नीला। अब बात मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज रुपए पैसे के लेन देन में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। कोई बहुत बड़ा धोखा या रुपए पैसे का बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। अगर आप शेयर इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा भी रुकिए। आपके लिए मछलियों को मिश्री युक्त उबले चावल खिलाने के साथ साथ माँ सरस्वती की पूजा आराधना आज बहुत ज्यादा कल्याण कर सकती है। आपके लिए शुभ अंक बनता है 5 और शुभ रंग बनता है कत्थई। तो मित्रों, ये तो बात रही 12 राशि की। हमने जाना कि आपके ग्रह नक्षत्र राशि के अनुसार क्या लक्षण आज के दिन का दिखाते हैं, उसके अनुसार हम लोगों ने उपाय भी जान लिया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिससे दिन का ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा लाभ ले सके और नुकसान कम से कम हो। अब हम लोग आ गए हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, जहां हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की। कई बार आपने देखा होगा कि परिवार में संतान जो है बिना मतलब हर तरीके से ध्यान रखने के बावजूद भी, अच्छे संस्कार देने के बावजूद भी, संतान बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाती है। कई बार वो आपके कहने से भी बाहर हो जाती है। मेरे पास तो पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसे केसेस आते हैं कि मैं सोच करके हैरान होता हूं कि इस तरीके से कोई व्यक्ति कैसे बर्ताव कर सकता है अपने जन्मदाताओं यानी अपने माता पिता अभिभावकों के साथ। देखिए, ज्योतिष के तमाम ग्रहों के उपाय तो इसके लिए अलग अलग हैं,
इसका एक सबसे बड़ा वास्तु का कारण है जिसके बारे में आज तक लोगों को जानकारी ही नहीं है, और इस तरीके की गलती करने के कारण ही हम लोग जीवन में हमारी आने वाली जो संतान है उसको अच्छे संस्कार नहीं दे पाते, वो बहुत चिड़चिड़ी, जिद्दी और झगड़ालू हो जाती है। तो उसको बहुत ध्यान से सुनिए और अपनी इस आदत को, मैं जानता हूं कि ये आदत आप में भी है, हर किसी व्यक्ति में ये आदत है। ये आदत कुछ साल पहले तक, जब तक मैं इस पेशे में नहीं आया था, मैं बच्चा था, मुझ में भी थी। मैंने जब ये जानकारी की तो इस आदत को दूर किया, और उसके बाद से मुझे इसका अपने जीवन में लाभ दिखता, और जिसको भी बताया उसको भी फायदा दिखता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि परिवार में जब कई सदस्य होते हैं, एक व्यक्ति नहा के आया, आप अब उसके बाद नहाने जा रहे हैं, आपने वो उसके द्वारा यूज की हुई टॉवल को यूज कर लिया, ये बहुत बड़ा गलत असर लेकर के आता है हमारे आपके जीवन में। आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि यार सब कुछ करने के बाद अच्छे स्कूल में भेजता हूँ, इतनी महंगी फीस देता हूँ, फिर भी बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। बच्चों के जिद्दी और चिड़चिड़े होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि परिवार में गीली तौलिया का इस्तेमाल होना। नहाने के बाद गीले तौलिये का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए इमीडिएटली दूसरे व्यक्ति को, जब तक वो अच्छे से सूख ना जाए। इससे आपकी संतान जिद्दी होती है और परिवार से अलग होने लगती है, उसका अटैचमेंट जो है, जो लगाव है भावनात्मक परिवार से, वो दूर हो जाता है। तो रोज साफ सुथरे और सूखे तौलिये का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका एक समाधान ये है कि घर में जितने सदस्य हों, ये हाइजीन के, सफाई स्वच्छता के लिहाज से भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, जितने लोग हों उनकी अलग अलग टॉवल हो। तो उससे क्या होगा कि हर व्यक्ति को अपनी टॉवल सूखी मिलेगी, साफ सुथरी मिलेगी। अगर आप किसी दूसरे के यूज की हुई टॉवल को नहाने के तुरंत बाद इस्तेमाल करते हैं तो आपको गीली टॉवल मिलेगी। तो इसके प्रयोग से आने वाले समय में आपकी संतानें जो हैं वो जिद्दी, चिड़चिड़ी हो जाएंगी, और फिर एक समय आएगा कि वो आपसे अलग हो जाएंगी, उनका इमोशनल कोई अटैचमेंट नहीं होगा, भावनात्मक कोई लगाव नहीं होगा, और आपका वो समय समय पर अपमान करेंगी, दिल दुखाएंगी। तो इस तरीके से एक गीली टॉवल भी आपके जीवन में प्रभाव डालती है, इस बात को मत भूलिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये सुझाव, ये जानकारी आपको बहुत पसंद आ रही होगी। आप सभी से बार बार आग्रह और अनुरोध है कि आप जब भी कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसे लेने के बाद प्लेट आगे बढ़ा दीजिए, जानकारी आगे बढ़ा दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए, वीडियो हमेशा शेयर करते रहिए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामना के साथ कि ईश्वर आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए, हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए जानकारियों से परिपूर्ण मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो, या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131, या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर। Oh, 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 oh,